दोस्तों, अभी तक ज्ञात ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी ही एकमात्र ऐसी जगह है जहां जीवन मौजूद है, और लंबे खोज के बाद भी हमें हमारे सौरमंडल और ज्ञात ब्रह्मांड के किसी भी ग्रह पर जीवन के पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं। पर इन्हीं खोजों के दौरान वैज्ञानिकों को कुछ ऐसे ग्रहों के बारे में जरूर पता चला है जो कि पूरे ज्ञात ब्रह्मांड में जीवन के पनपने के लिए सबसे अनुकूल ग्रहों में से एक हैं, जहां किसी न किसी प्रकार का जीवन भी मौजूद हो सकता है। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रहस्य टीवी और आज हम जानेंगे पृथ्वी के अलावा ऐसे 5 ग्रहों के बारे में जहां जीवन मौजूद हो सकता है। केपलर 22b। दोस्तों, केपलर 22b हमारी धरती से करीब 600 लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद है और हमारे सूर्य की तरह ही एक जी टाइप स्टार का चक्कर लगाता है। यह केपलर स्पेस टेलीस्कोप द्वारा खोजा गया पहला एक्सोप्लैनेट था जो कि अपने तारे के हैबिटेबल जोन में मौजूद था। इस एक्सोप्लैनेट की घोषणा 2011 में की गई थी, जिसमें बताया गया था कि यह एक्सोप्लैनेट हमारी धरती से करीब 2.4 गुना विशाल है और अपने तारे के गोल्डीलॉक जोन में मौजूद है, जिसकी वजह से इसके सरफेस का तापमान 22 डिग्री सेल्सियस के करीब है, जो कि जीवन के पनपने और मानवों के रहने के लिए बिल्कुल अनुकूल है। धरती से कई गुना विशाल होने के बावजूद यह एक्सोप्लैनेट पृथ्वी की तरह ही एक सिमिलर ऑर्बिट में अपने तारे का चक्कर लगाता है। इस एक्सोप्लैनेट को अपने तारे का एक चक्कर पूरा करने में मात्र 290 दिनों का समय लगता है। नासा ने 2011 में इस एक्सोप्लैनेट को 54 मोस्ट हैबिटेबल एक्सोप्लैनेट की लिस्ट में शामिल किया था, पर कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि भले ही यह एक्सोप्लैनेट अपने तारे के हैबिटेबल जोन में मौजूद हो, पर यहां जीवन के पनपने के लिए जरूरी केमिकल्स के होने की संभावनाएं बेहद ही कम है। प्रॉक्सिमा सेंचुरी बी। दोस्तों, प्रॉक्सिमा सेंचुरी बी हमारी धरती से करीब 4.2 लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद एक एक्सोप्लैनेट है जो कि एक स्मॉल रेड ड्वार्फ स्टार प्रॉक्सिमा सेंचुरी का चक्कर लगाता है। यह हमारे धरती के सबसे करीब मौजूद स्टार सिस्टम है जिसमें एक से ज़्यादा ग्रह मौजूद हैं। यह एक्सोप्लैनेट हमारी धरती से करीब 1.3 गुना विशाल एक रॉकी वर्ल्ड है जो कि एक कूल रेड ड्वार्फ स्टार का चक्कर लगाता है। इसे अपने तारे का एक चक्कर पूरा करने में मात्र 11 दिनों का समय लगता है। यह एक्सोप्लैनेट अपने तारे के हैबिटेबल जोन में मौजूद है, जिसकी वजह से वैज्ञानिकों का मानना है कि इस एक्सोप्लैनेट पर एक सस्टेनेबल एटमॉस्फेयर और लिक्विड वाटर के ओशियंस भी मौजूद हो सकते हैं। पर यह एक्सोप्लैनेट अपने तारे के बेहद ही नज़दीक मौजूद है, जिसकी वजह से वैज्ञानिकों का मानना है कि यह प्लैनेट अपने तारे से टाइडली लॉक्ड हो सकता है, अर्थात इस एक्सोप्लैनेट के एक तरफ हमेशा दिन रहता है और एक तरफ हमेशा रात। पर इसके बावजूद भी वैज्ञानिकों का कहना है कि इस एक्सोप्लैनेट पर किसी न किसी प्रकार का जीवन मौजूद हो सकता है। धरती के सबसे करीब होने की वजह से भी वैज्ञानिक इस एक्सोप्लैनेट पर खास रुचि दिखाते हैं, अर्थात यह इस विशाल ब्रह्मांड में जीवन की खोज के लिए मानवों का पहला ठिकाना हो सकता है। केपलर 452b। दोस्तों, केपलर 452b हमारे धरती से करीब 1400 लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद एक एक्सोप्लैनेट है जो कि हमारे सूर्य से भी ज़्यादा विशाल और ब्राइट तारे का चक्कर लगाता है। यह एक्सोप्लैनेट हमारी पृथ्वी से करीब 60% ज़्यादा विशाल है, पर वहीं इसका मास हमारे पृथ्वी से 8 गुना ज़्यादा है, अर्थात इस एक्सोप्लैनेट की ग्रेविटी हमारी पृथ्वी से कई गुना ज़्यादा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह एक्सोप्लैनेट एक रॉकी प्लैनेट है जो कि सूर्य की तरह ही एक ब्राइट स्टार का चक्कर लगाता है। यह अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में मौजूद है, जिसकी वजह से वैज्ञानिकों का मानना है कि इस एक्सोप्लैनेट पर एक थिक एटमॉस्फेयर, लिक्विड वाटर और एक्टिव वोल्केनोज मौजूद हो सकते हैं। इस एक्सोप्लैनेट की खोज 2015 में केपलर स्पेस टेलीस्कोप के द्वारा की गई थी और तभी से यह एक्सोप्लैनेट वैज्ञानिकों के बीच चर्चा का विषय रहा है। हाल ही में किए गए एक रिसर्च के अनुसार वैज्ञानिकों का कहना है कि इस एक्सोप्लैनेट का स्टार हमारे सूर्य से ज़्यादा शक्तिशाली और ओल्ड है, जिसकी वजह से इस एक्सोप्लैनेट पर रनवे ग्रीनहाउस इफेक्ट हो रहा है और इसके ओशियंस धीरे धीरे सूख रहे हैं, पर इन्हें पूरी तरह सूखने में बिलियंस ऑफ ईयर्स का समय लग सकता है। ग्लीज 667 सीसी।
दोस्तों ग्लीज 667 सीसी एक्सोप्लैनेट हमारी धरती से करीब 22 लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद है और एक रेड ड्वार्फ स्टार का चक्कर लगाता है। यह एक सुपर अर्थ साइज एक्सोप्लैनेट है जिसका मास हमारे पृथ्वी का 4.5 गुना है। यह एक्सोप्लैनेट अपने तारे के बेहद ही नजदीक मौजूद है जिसकी वजह से इसे अपने तारे का एक चक्कर पूरा करने में मात्र 28 दिनों का समय लगता है, पर इसके बावजूद यह अपने तारे के हैबिटेबल जोन में मौजूद है जिसका मुख्य कारण है इसका कूल रेड ड्वार्फ स्टार जो कि सूर्य की अपेक्षा बेहद ही कमजोर है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह एक्सोप्लैनेट पृथ्वी की तरह ही एक रॉकी वर्ल्ड हो सकता है जहां लिक्विड वाटर के ओशियंस और सस्टेनेबल एटमॉस्फेयर मौजूद हो। वहीं कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यह नेपट्यून और जुपिटर की तरह कोई गैस प्लैनेट भी हो सकता है, पर इस स्टार सिस्टम की सबसे खास बात यह है कि इसमें कुल 7 प्लैनेट्स मौजूद हैं जिनमें से कुल 3 एक्सोप्लैनेट एक हैबिटेबल जोन में अपने तारे का चक्कर लगाते हैं और इन 3 ग्रहों में से एक न एक ऐसा ग्रह हो सकता है जहां किसी प्रकार का जीवन मौजूद हो। ट्रैपिस्ट 1e। दोस्तों ट्रैपिस्ट 1e एक्सोप्लैनेट हमारी धरती से करीब 39 लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद एक एक्सोप्लैनेट है जो कि एक कूल एम क्लास ड्वार्फ स्टार का चक्कर लगाता है। दोस्तों ट्रैपिस्ट 1 स्टार सिस्टम में कुल 7 ग्रह मौजूद हैं जो कि ज्यादातर रॉकी वर्ल्ड्स हैं जहां लिक्विड वाटर के ओशियंस मौजूद हैं। इन सभी 7 ग्रहों में से चौथा ग्रह यानी ट्रैपिस्ट 1e एक्सोप्लैनेट अपने तारे के हैबिटेबल जोन में मौजूद है। वैज्ञानिकों के अनुसार ट्रैपिस्ट 1e एक्सोप्लैनेट एक अर्थ साइज्ड रॉकी एक्सोप्लैनेट है जहां एक सस्टेनेबल एटमॉस्फेयर और लिक्विड वाटर के ओशियंस मौजूद हो सकते हैं। हालांकि इस स्टार सिस्टम के बाकी ग्रह भी जीवन के पनपने के लिए काफी अनुकूल हैं, पर इन सभी में से ट्रैपिस्ट 1e एक्सोप्लैनेट अपने तारे के हैबिटेबल जोन में मौजूद है जो कि इसे बाकी सभी ग्रहों में से सबसे ज्यादा अनुकूल बनाता है। हाल ही में किए गए एक रिसर्च में वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि यह एक्सोप्लैनेट काफी हद तक हमारे पृथ्वी के समान है जिसके पास एक विशाल आयरन कोर मौजूद है। वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि इस एक्सोप्लैनेट पर लाइफ के लिए जरूरी केमिकल्स मौजूद हो सकते हैं जो कि किसी भी एक्सोप्लैनेट पर जीवन के पनपने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। केपलर 186f। दोस्तों केपलर 186f हमारी धरती से करीब 500 लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद है और एम टाइप स्टार का चक्कर लगाता है। यह उस समय खोजा गया पहला अर्थ साइज्ड एक्सोप्लैनेट था जिसका साइज हमारे पृथ्वी से केवल 10% बड़ा था। इस एक्सोप्लैनेट की सबसे खास बात यह है कि यह पृथ्वी के साइज का एक रॉकी वर्ल्ड है जो कि एक हैबिटेबल जोन में अपने तारे का चक्कर लगाता है, जिसकी वजह से वैज्ञानिकों का मानना है कि इस एक्सोप्लैनेट पर एक सस्टेनेबल एटमॉस्फेयर और लिक्विड वाटर के ओशियंस मौजूद हो सकते हैं। इस स्टार सिस्टम में कुल 5 ग्रह मौजूद हैं, पर केपलर 186f एक्सोप्लैनेट के अलावा बाकी सभी ग्रह अपने तारे के बेहद ही नजदीक मौजूद हैं और जीवन के पनपने के लिए काफी हॉट हैं। वहीं केपलर 186f अपने तारे के गोल्डीलॉक्स जोन में मौजूद है एवं इसे अपने तारे का एक चक्कर पूरा करने में 130 दिनों का समय लगता है। इसे हमारे पृथ्वी की अपेक्षा अपने तारे से मात्र 30% एनर्जी ही मिल पाती है, जिसकी वजह से कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि यह एक्सोप्लैनेट जीवन के पनपने के लिए काफी ठंडा है। धन्यवाद दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको इन सभी एक्सोप्लैनेट्स में से कौन सा एक्सोप्लैनेट सबसे अच्छा लगा, जहां जीवन होने की सबसे ज्यादा संभावनाएं मौजूद हो सकती हैं, हमें नीचे कमेंट कर जरूर बताएं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि मैं आपके लिए स्पेस और यूनिवर्स से जुड़ी हुई ऐसे ही अमेजिंग और नॉलेज से भरपूर वीडियोज लाता रहूंगा। धन्यवाद।